देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आज देखा है कि मार्केट में काफी वोलेटिलिटी रही है, सारे सेक्टर अप रहे हैं सिवाय बैंकिंग में थोड़ा सा दबाव रहा है, ठीक है ना, नंबर एक। उसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या एक्चुअली मार्केट ओवर वैल्यूड है, दूसरा चर्चा करेंगे कि रिटेलर्स को अब इस समय क्या करना चाहिए, और तीसरा चर्चा करेंगे कि आखिर में कैसे किसी भ्रम से आप बचें और इससे बचने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए FIIs की सेलिंग देख लीजिए। FIIs ने आज कोई सेल नहीं किया, FIIs ने बाई किया करीब 1200 करोड़ के आसपास, लमसम ले लेता हूं मैं, और वही 1500 के आसपास करोड़ के आसपास आपके DIIs ने सेलिंग करी है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि जब FIIs बाई करती हैं तो DIIs सेल करती हैं, ये एक जो है नेचुरल फेनोमेना, कोई इसमें दो राय नहीं है। दूसरा क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग भी स्वाभाविक प्रक्रिया है, कि प्रॉफिट बुकिंग भी जो आदमी ज्यादा दिन का इन्वेस्टेड है, जिसका गोल पूरा हो गया है, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा करेगा इस समय, ठीक है ना। तो अभी ये सारी चीजें हो गई हैं, अब यहां पर बात आती है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन के संदर्भ में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि सिवाय देखो कोई भी नेशनल चैनल, कोई भी बड़ा मीडिया, कोई भी ऐसी बातें नहीं बोल रहा है कि आखिर में मार्केट में कोई भी वैल्यूएशन चल रही कि नहीं। सभी बोल रहे फ्लो ज्यादा आ रहा है, फ्लो ज्यादा आ रहा है, फ्लो ज्यादा आ रहा है। अब फ्लो ज्यादा आ रहा है तो क्या वो फ्लो हजम नहीं हो पा रहा है? यहां पर हजम होने के दो ही चीजें हैं। अब जैसे मान लो कि जितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनका कई लाखों करोड़ बिलियन डॉलर में उनकी नेटवर्थ है, ठीक है ना, लाखों करोड़ में, तो उनके लिए 2-4 हजार करोड़, 10 हजार करोड़, 20 हजार करोड़ अगर फंड मैनेजर डाल भी देता कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समुद्र है वो। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं जिनका AUM 5 हजार करोड़ का है, तो वहां पर अगर फंड मैनेजर पैसा डालता है तो जाहिर सी बात है उनमें उबाल तो आना ही आना है। मैं बात कर रहा हूं स्मॉल कैप सेक्टर की, ठीक है ना। वैल्यूएशन कैसे तय होता है? वैल्यूएशन देखो, अभी दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सारे के सारे स्मॉल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमेशा इस बात को चेता रहे हैं, वो हमेशा इस बात को चेता रहे हैं। क्यों चेता रहे हैं? जिनको ज्यादा दिन हो गया है और जिन्होंने खास करके, मैं बाकी और का छोड़ दो, उनका एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जिन्होंने कोविड का सिंदूर देखा है, उस समय देखो कोई मार्केट ओवर वैल्यू नहीं थी, हल्की फुल्की थी, ठीक है ना। तो उस समय तो ऐसा नहीं था, पी उस समय लगभग यहीं पर ही था आपके उसका, आपके निफ्टी का। लेकिन आज के टाइम पर पी थोड़ा सा बढ़ तो रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब दूसरा क्या है, बजट का सेशन आने वाला है और 10 सालों के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गवर्नमेंट को, कोलाइड गवर्नमेंट को, जिसने 10 साल एक छत्र राज किया है, तो वहां पर इनको कोलाइड गवर्नमेंट में, कोलाइड गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कई सारे लोगों का यह आकलन है, बट वहां पर रिटेलर्स ने क्या करना है? देखो भाई, आपको एक बात बताऊं कि एक म्यूचुअल फंड में आपका पैसा काफी हद तक डाइवर्सिफाई हो जाता है, ठीक है ना। आपका फंड मैनेजर उसको सोच समझ करके अपना खरीदता है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, बाय मेहरबानी आप केवल एक काम करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एकाध फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज कैप या जो है हाइब्रिड, जिस टाइप का आपका रेशियो और एज है, एकाध फंड जरूर रखो। क्यों? क्योंकि देखो, जो मेरी सलाह है कि अभी इन्वेस्टर्स ने करना क्या है, इन्वेस्टर देखो, वैल्यूएशन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो वैल्यूएशन तो इसी बात पर तय होता है कि भाई जितने की मान लिया वो वैल्यू है, किसी भी आइटम का, प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जितना पैसा उसका लग रहा है, या शेयर, या जो शेयर की प्राइस है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है या नहीं। शांत रहो यार, अब इतना तेज भोंकता है, शांत हो जाओ। तो अब उसकी वैल्यूएशन जो है ना, कहां पर था, यहां पर वैल्यूएशन पर था। वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि उस प्राइस पर वो जो माल हम खरीद रहे हैं वो माल उस प्राइस का है कि नहीं है। मार्केट वहीं पर ही करेक्शन का रूप लेती है और वहां पर आकर के ठहरेगी। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं जाएगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, देखो मैं आपसे बिल्कुल ओपन और सीधी सी बात में बात करना चाहूंगा, अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि यार देखो यस मैं वहां तक उस वोलेटिलिटी को झेल लूंगा, मैं मानसिक रूप से तैयार हूं, तो यस आप इन्वेस्ट करो, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस समय मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा, मैं प्रेशर में आ जाऊंगा, तो औने पौने में करके आप ऐसे करके अभी इस समय चंक डालने की जरूरत नहीं है। SIP के रूट में चल रहे हो, यस चल रहे हो। अगर आपने जनवरी से मई के बीच में इन्वेस्ट कर दिया है, जनवरी से मैंने कॉल देना शुरू किया था कि थोड़ा 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 करो। अभी मैं इस चीज का कॉल इसलिए नहीं दे पा रहा हूं, मैं आपको ओपन बात बताऊं,
कि मैं भी इस अभी जो है पसोपेश में हूँ कि टैक्सेशन का मुद्दा क्या उठेगा, अब ये FIIs को रास आएगा कि नहीं आएगा, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को रास आएगा कि नहीं आएगा, फिर इक्विटी पर क्या पोर्शन आएगा, ये बातें कई सारी हैं। और कहीं ये भी लग रहा है कि 20% का टैक्सेशन तो नहीं कर दिया जाएगा, इसको 2 लाख तो नहीं बढ़ा दिया जाएगा, इसको तो ये तो नहीं होगा, तो अभी कुछ भी पिटारा उठ करके नहीं आ रहा है। अब इस समय देखो 5 साल का प्लान गवर्नमेंट ने लेकर के चलना है, तो इस समय अभी हमने जो हमारी SIP चल रही है उसको हमने कंटिन्यू करना है, लम सम से थोड़ा हमें अवॉइड करना है। STP वाले भाइयों के लिए वही सलाह है कि भाई मेरे आपको लगे रहना है। वैल्यूएशन के मामले में मैं आपको जरूर ये बोलना चाहूंगा कि वैल्यूएशन मार्केट में मायने रखती है, इस बात को आप लोग विश्वास रखें, वैल्यूएशन जरूर मायने रखती है। तो जब अब ठीक है, काफी दिनों से मैं सुन रहा हूँ, जब ये 17-18 हजार पे निफ्टी थी, आज ये 24.5 पे चली गई, 11 हजार पे आएगी, 12 हजार पे आएगी, इतने पे आएगी, आई नहीं आई, तो मार्केट किस पे चलती है, सेंटीमेंट के ऊपर चलती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग हैं इन्वेस्टर, हम लोग ट्रेडर हैं नहीं कि हमने बढ़ती हुई झाग से उठाया अपना मतलब फायदा निकाला और उसके बाद में चल दिया। तो बात मेरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, लौकी ने बीच में वो कर दिया था, आई एम सॉरी। तो अभी वो क्या है कि भाई लाडला है मेरा भी जो है, उसको कुछ मैं भी नहीं बोलता हूं, ठीक है ना। वो जो पूरे दिन घर में घूमता रहता है, थोड़ी भी खुटपुट सुनता है तो इसी प्रकार का, इसलिए आप लोग इसका प्लीज माइंड नहीं करना, वही मेरा एक जो है कमजोरी है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि बच्चे अभी जो है पढ़ाई के लिए दूर हैं, तो अब वही है एक साथ में और काफी लाडला हो गया है। चलिए ठीक है, I'm sorry for that। वैल्यूएशन पक्का मायने रखता है, बट ये मत बोलो कि इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है कि हम खरीद ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं है। खरीदेंगे हम जरूर, लेकिन बजट के बाद में, क्योंकि इतना लंबा इंतजार भी नहीं करेंगे कि 24,000-25,000 की निफ्टी हो जाएगी और हमें 1,000 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा तो हम उसके बाद में नहीं खरीदेंगे। आज की डेट में भी हमें अगर 23,000 पे निफ्टी आ जाती तो तुरंत बाई करेंगे, और इतना तो 1,000-1,500 का थोड़ा सा भी करेक्शन होने से ना 1,000-1,500 का झटका तो लगना है। तो अपर लिमिट से जैसे 1,000-1,500 का झटका लगेगा तो मैं आपको अपने आप ही कॉल दूंगा, भैया जितना है अभी थोड़ा सा झोंको, ठीक है ना, परसेंटेज में झोंको बट झोंको। तो बात को इसको समझने की कोशिश करो, जब तक आप जुगाई टॉक से जुड़े हुए हो ना तब तक आपको वैल्यूएबल जानकारी मिलती रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब वैल्यूएशन हमेशा वैल्यूएशन मायने रखता है, वैल्यूएशन इसलिए मायने रखता है कि किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, कितना भी रिस्क फ्री डेप्ट फ्री आपके फंड मैनेजर ने उसकी टीम ने छांट करके उसमें पैसा लगाया हो, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बैलेंस शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, खास करके उद्योग के मामले में। अब डिमांड और सप्लाई के ऊपर मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि मेरे को इस चीज की अच्छी खासी समझ है, डिमांड और सप्लाई की समझ आप लोगों को नहीं है। जब तक किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है ना तो उसके बाद में उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब उस डिमांड के अनुसार उसकी सप्लाई भी होनी चाहिए, मेन बात यह है उसका प्रोडक्शन भी वहां पर होना चाहिए, ये बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब सरकार का जो बजट है ना, वहां तक बजट तक इंतजार के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं काल दे पा रहा हूँ, सीधी सी बात बताऊं आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आप लोग भी मेरे को बताइएगा क्या बजट तक रुकना उचित रहेगा। क्योंकि देखो भाई, आदमी के जब जेब में पैसा भी होता है ना तो वो भी सोचता है यार मैं नहीं डालूंगा। फोमो एक आम सी प्रक्रिया है, सबके ऊपर हावी होती है, हमारे पर भी होती है, आप पर भी होती है, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है उसके ऊपर भी होती है। तो फोमो से थोड़ा सा तो बचना है हमें, ठीक है ना, मिसिंग आउट की, क्योंकि रैली मिस नहीं होती है। और मैं आपको सही बताऊं कि मैंने मार्च, जब से आप लोगों को कॉल देना शुरू किया था जो कि मार्च में था, उसके बाद में अप्रैल मई थोड़ा थोड़ा डालो, 21 मई के आसपास मैंने खुद बोल दिया था कि भाई मेरे वीडियोस को देखिएगा कि भाई मेरे अब हम इलेक्शन के दिन जो करना होगा, जैसे मैं अभी आज के टाइम पर बोल रहा हूँ, बजट के टाइम पर जो करना होगा करेंगे, बेशक हमें थोड़ा सा महंगा मिलेगा वो चलेगा, लेकिन हम बजट का इंतजार करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो बजट है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट बजट होगा। वैसे जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट थी, अब उन्होंने तो बोला था इतना कोई सॉफ्ट बजट तो होगा नहीं, इतना कोई साफ साफ की उम्मीद मत करो, बट अभी कहीं ना कहीं तो
है, सवाल तो उठ रहा है। अब इस सवाल में आप लोगों को क्या लगता है, प्रक्रिया लगती है, इसको जरूर बताइएगा। क्योंकि आज भी देखो मार्केट डेली ऑल टाइम हाई टू हाई बना रही है और ये पीक तो पक्का बनना ही बनना है। अब कल की होगी छुट्टी, अब परसों उसके बाद में देखी जाएगी। हाँ कल छुट्टी हो गई है और कल मैं रहूंगा ट्रेन में, तो ट्रेन में रहूंगा तो मैं वहां से जरूर आप लोगों को अपडेट दूंगा कल का। कल मैं बहुत सारी अपना क्वेरीज को करेंगे, अपना कवर करेंगे। तो मैं अभी आज के सेशन को यहीं पर ही क्लोज करता हूं और उसके बाद में देखते हैं। बट वैल्यूएशन को मद्देनजर रखना, इन्वेस्टर्स को क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इन्वेस्टर्स ने अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। भाई देखो जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा, यार बजट तक अभी कोई लमसम के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। एसटीपी जो कर रहे हो वो चलेगा, 5-6 महीने का आपने टारगेट ले लिया है, उसके बाद में एसआईपी जो कर रहे हो वो चलेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट अभी थोड़ा सा क्या है ना कि जितनी मेरे को ग्राउंड की समझ है या उसकी है वहां पर थोड़ा सा देख रहे हैं। बाकी यार मैं लमसम का काल अभी आज की डेट में आपको नहीं दे सकता हूँ। बेशक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुरा लगे कि आप लोग सोच रहे हो कि 24,500 चला गया, 24,500 को क्रॉस नहीं कर रहा था, 24,500 को क्रॉस कर गई मार्केट, तो गुस्सा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आ रहा होगा। मैं भी उस बात को सोच रहा हूँ, जिनके पास पैसे होंगे वो हो सकता है कि वो लोग अपना गुस्सा भी हो जाए कि मेरे को 700 पर खरीदवा दिया, 800 पर खरीदवा दिया। लेकिन भाई मेरे थोड़ा सा भी थमो और काफी सारा, क्योंकि मेन बात क्या है कि इस बार टैक्सेशन का इशू आने दो, क्योंकि टैक्सेशन का इशू आने दो, उस पर काफी सारा मार्केट डिपेंड करेगी। अगर डोमेस्टिक सेंटीमेंट भी गड़बड़ होता है तो एफआईआईज कितना करेंगे देखते हैं फिर, अभी क्या सिनेरियोज बनते हैं। काफी सारा जितनी अंदर खाने की खबर आ रही है वो छन करके कोई इम्पैक्ट बाहर नहीं आ रहा है। हमने भी आज काफी सारा वो किया, कोशिश किया जितना टाइम लगा, वैसे तो मैं काफी आज के दिन में वो था अपना बिजी था। तो अब देखते हैं कल तक आपको जो फिर उसके बाद में बताते हैं, बट फिर भी देखते हैं। अभी जो 23 तारीख तक इंतजार करते कितना दिन रह गया, अभी बस एक हफ्ता रह गया, 16 तो आज हो ही गई है, एक हफ्ता और इंतजार कर लेते हैं, चलने दो ठीक है ना। निर्मला दीदी को आने दो, हालांकि उनको काफी तजुर्बा है बजट पेश करने का, तो देखते हैं वो आम जन के बारे में भी कुछ सोचती हैं या बड़े लेवल पर ही प्लान रहेगा, तो इस बार जो सोचने वाली बात है। और आप लोग तो इस परिवार के सदस्य हो तो आपसे क्या छुपाना कि कहीं ना कहीं मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि यस एक मौका मिले तो एक बार हम भी फिर उसके बाद में ट्राई करते हैं। अब वैल्यूएशन वैल्यूएशन देखी जाएगी, कुछ नहीं म्यूचुअल फंड में कोई वैल्यूएशन वैल्यूएशन इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही बोलूंगा कि हाँ थोड़ा सा क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि समझ वाली बात होती है, ठीक है ना, समझ वाली बात पर जरूर बात करनी है, ठीक है ना। और मैं आपको एक स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा, कहीं पर सुना था या देखा था कि धीरू भाई अंबानी जी का वो था, मतलब हालांकि छोटे में बड़ी बात होगी है, लेकिन उनका मैंने सुना था, उन्होंने पहली पगार पाई थी जाकर के किसी 5-स्टार होटल में चाय पी गए थे और आकर के बोले कि हमने ये देखा कि बड़े लोग सोचते कैसा है, ठीक है ना। तो अभी इस बात पर अब ये उम्र तो धीरू भाई बनने की हमारी नहीं है और कहा तो, लेकिन ये है कि अब एक्चुअली वो जो बड़े आदमी बन गए हैं तो चलो ठीक है, अभी सोचना कम से कम। बड़े लोग सोचते ऐसे हैं कि बजट को जरूर देखते हैं, बजट कर क्या रही है सरकार, कर क्या रही है, उसके बाद में उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं, उसी हिसाब से पैसा लगाते हैं। तो हम भी जो हमारे पास है ना उसको उसी हिसाब से लगाएं तो ज्यादा उत्तेजन रहेगा। लास्ट में मैंने मेन मोटिव आपको बता दिया है बाकी वैल्यूएशन वगैरह म्यूचुअल फंड में कोई मायने नहीं रखता है, ओवर वैल्यू लो चलता रहेगा, डाइवर्सिफाई होता है, इतने सारे फंड होते हैं, फंड मैनेजर बैठा है। देखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू वेरी मच।